हे एवरीवन, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक डाइवोर्स की। दोस्तों, हमें पता है कि दो तरह से डाइवोर्स पॉसिबल है, एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, एक होता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से तलाक। अब दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स तब होता है जब दो पार्टी में से कोई एक पार्टी रेडी नहीं होती डाइवोर्स के लिए और दूसरी पार्टी चाहती है डाइवोर्स लेना, तो कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है उस केस में। और दूसरा तरह का डाइवोर्स होता है म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से तलाक, उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज रेडी होती हैं डाइवोर्स के लिए, वो क्या करती हैं, अपनी शर्तों के अनुसार आपसी सहमति से एक सेटलमेंट अग्रीमेंट तैयार करती हैं। उस अग्रीमेंट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा, या फिर अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, या फिर उसके विजिटेशन राइट्स किस किस प्रकार से होंगे। मतलब हस्बैंड वाइफ आपसी में ही सेटलमेंट करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी उन दोनों को सूट करती हैं उसके हिसाब से उनके बीच में अग्रीमेंट होता है, और इसे हम कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। अब दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स जब हस्बैंड वाइफ पिटीशन लगाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट उन्हें 6 महीने की बात की डेट देती है, उन्हें 6 महीने का टाइम देती है कि भाई 6 महीने के बाद आपको फिर अपियर होना है कोर्ट में। अब ये 6 महीने का टाइम क्यों दिया जाता है, क्योंकि कोर्ट ये मानती है कि अगर उनके बीच में कोई सेटलमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब कोई रिकंसिलिएशन, मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ जो है वो वापस से मिल जाए, उनका डाइवोर्स ना हो, उनका घर ना टूटे, तो कोर्ट ये मानती है इस पॉजिटिव मोटिव से 6 महीने की ये टाइम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये 6 महीने का टाइम मैंडेटरी नहीं होता है, मतलब कि ज़रूरी नहीं होता है, आप इसे वेव ऑफ भी करा सकते हैं। मतलब कि आप कोर्ट में जजमेंट लगाकर कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं कि भैया 6 महीने का टाइम जो है ना दिया जाए और आपका तुरंत के तुरंत तभी डाइवोर्स हो जाए। क्योंकि जनरली दोस्तों, कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ चाहते हैं तुरंत के तुरंत तभी डाइवोर्स हो जाए, मतलब कि उन्हें पता है कि आगे सेटलमेंट का कोई स्कोप नहीं है या वो सेटलमेंट नहीं करना चाहते, तो वो चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत तभी डाइवोर्स हो जाए। लेकिन ऐसा एक्चुअल में कोर्ट में हो नहीं पाता, क्योंकि हमें इस चीज़ की सही नॉलेज नहीं होती। इससे रिलेटेड दोस्तों एक जजमेंट है, जिसका अगर हम यूज़ करें तो हम ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है इसे वेव ऑफ करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस जजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसी लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ से रिलेटेड एक लैंडमार्क जजमेंट है 2017 का सुप्रीम कोर्ट का, अमनदीप कौर वर्सेस हरविंद। इस जजमेंट में दोस्तों, ये जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है सेटलमेंट होने का, जिसमें स्कोप रहता है, कोर्ट ये समझती है, ये जो 6 महीने का टाइम दिया गया है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स में, इसको आप वेव ऑफ करा सकते हैं, मतलब कि इसको हटा सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, इस जजमेंट में ये कहा गया है। अब दोस्तों, होता क्या है, जब भी हस्बैंड वाइफ जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए, तो उनके लॉयर जो हैं वो कई बार इस जजमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, कई बार पार्टीज़ को ही नहीं पता होता है इस जजमेंट के बारे में, कई बार उनके लॉयर नहीं लगाते हैं इस जजमेंट को कि भाई ये जजमेंट यूज़ ही नहीं होता है ये कहकर, या फिर अगर वो जजमेंट लगा भी रहे हैं तो उसको ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं करते हैं कोर्ट में, ठीक तरह से आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, तो कोर्ट कैसे कन्विंस होगी कि भाई वो जो 6 महीने का टाइम पीरियड है उसे हटाने के लिए कोर्ट कैसे मानेगी। जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, आपने उसके जो जजमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसके तथ्यों पर अच्छे से स्टडी नहीं किया, उसको अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करा, तो कोर्ट नहीं मानेगी, इससे आपका कोई केस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने जस्ट जजमेंट की कॉपी निकालकर उसे पिटीशन के साथ लगा दिया और कहा कि देख लो जी कोर्ट में, तो ऐसे काम नहीं बनता। यहाँ पे दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन हम ये जजमेंट डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट है दोस्तों 26 अक्टूबर 2020 का। इस केस में हस्बैंड वाइफ जो है वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए गए और उन्होंने अपनी पिटीशन में ये जो लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 2017 का, अमनदीप कौर वर्सेस हरविंद का, ये जजमेंट की इन्होंने कॉपी लगाई अपने पिटीशन के साथ और रिक्वेस्ट करी कोर्ट से कि जो 6 महीने का टाइम पीरियड है वो हटा दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों, इनकी कोर्ट ने कंडीशंस देखी इस केस में। इस केस में क्या था कि जो हस्बैंड वाइफ थे वो 2 साल से सेपरेटेड थे, मतलब अलग रह रहे थे, और वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट थी किसी और पर्सन के द्वारा, जिससे वो शादी करना चाहती थी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में रिकंसिलिएशन, मतलब सेटलमेंट का कोई स्कोप ही नहीं है कि भाई वो वापस से मिल जाएं,
उनका घर ना टूटे, ऐसा कोई स्कोप नहीं है। तो ये 6 महीने का टाइम पीरियड देने का कोई फायदा नहीं है। इसमें जो है इस केस की अर्जेंसी देखकर, क्योंकि जो है वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो किसी और से शादी करना चाहती थी, तो इस केस की अर्जेंसी देखकर हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। इस जजमेंट का यूज़ करते हुए उनका जो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड था वो वेव ऑफ कर दिया, वो हटा दिया और तुरंत के तुरंत उनका म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो गया, उन्हें डाइवोर्स की डिग्री मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें सही नॉलेज है, अगर हमारा भी केस इससे रिलेटेड है म्यूचुअल कंसेंट से, और हम चाहते हैं कि भाई हम 6 महीने वेट ना करें, तो अगर हमें इस जजमेंट के बारे में पता है कि हमें किस तरह से यूज़ करना है, हमारे लॉयर को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से प्रेजेंट करना है इस चीज़ को कोर्ट में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है वो हट जाए और आपको तुरंत के तुरंत डाइवोर्स मिल जाए। तो दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए आगे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।